हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कई तरीके की रेफ्रिजरेंट गैस प्रयोग करते हैं, परंतु कभी कभी समस्या क्या आती है कि हम भूल जाते हैं कि किस सिलेंडर में हमने कौन सी गैस डलवाई थी। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे पता लगाएं कि किस सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी कुछ टूल्स की, जैसे एक प्रेशर गेज और एक टेम्परेचर डिस्प्ले। ये हमारे सिलेंडर हैं जिनमें डिफरेंट टाइप की गैसेस डली हुई हैं। तीन अलग अलग तरीके की गैसें हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है इनको। ये सेंस टेम्परेचर डिस्प्ले है, ये हम सिलेंडर का टेम्परेचर चेक करने के लिए प्रयोग करेंगे। तो इसको ऐसे करके सिलेंडर के साथ जोड़ना होगा ताकि हमें एग्जैक्ट सिलेंडर का टेम्परेचर पता चल जाए। तो ऐसे करके आप इसे जोड़ सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में कहां तक है। तो रेफ्रिजरेंट जितने लेवल पर है उससे नीचे जोड़िए और थोड़ा टाइम दीजिए ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा स्टेबल हो जाए। ये देखो टेम्परेचर थोड़ा डाउन जा रहा है क्योंकि रूम के टेम्परेचर से सिलेंडर का टेम्परेचर थोड़ा कम है, क्योंकि हम इसको अभी अभी अंदर से निकाल के लाए। तो इसके लिए हम थोड़ा वेट करेंगे और तब तक हम प्रेशर गेज को सिलेंडर के साथ जोड़ लेते हैं। ये प्रेशर गेज है, इसको आप अभी हम बीच वाले का चेक करेंगे तो उसके साथ हम इसको जोड़ देते हैं, तब तक हमारा टेम्परेचर भी स्टेबल हो जाएगा। जोड़ने के बाद आप सिलेंडर का वाल्व खोलेंगे तो आपको प्रेशर गेज पे प्रेशर मिल जाएगा कि कितना प्रेशर है। अभी जैसा कि आप गेज में आए देख रहे हैं कि इसका प्रेशर अराउंड 98-99 PSI है, PSI G, और टेम्परेचर है 17.5। तो अब हम चार्ट में देखते हैं कि कौन सी गैस इस प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली सही बैठ रही है। ये R22 गैस का हम चार्ट देखते हैं तो ये अराउंड बिल्कुल सही बैठता है इसके साथ। ये देखिए टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो इसमें हमने आइडेंटिफाई करी कि इसमें है R22 गैस, इस सिलेंडर में R22 गैस है। अब हम इसके बारे में चेक करेंगे कि इस सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो इसका प्रेशर हमने देखा कि इसका प्रेशर अराउंड 135 के समथिंग है और इसका टेम्परेचर सेंसर भी चेंज करके हम उसी पे डाल देते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट सिलेंडर का टेम्परेचर मिल जाए। अभी हम थोड़ा वेट करते हैं और देखो 0.1 बढ़ा और प्रेशर और टेम्परेचर को अब हम 17.5 आ गया, उल्टा वापस डाउन आया है और टेम्परेचर प्रेशर इसका 130-135 के आसपास है। तो अब हम देखते हैं कि किस गैस के साथ ये प्रेशर मैच करता है। बेसिकली R22 से ज़्यादा प्रेशर है तो हमें ज़्यादा प्रेशर वाली गैस को ही देखना होगा।
तो हमने सारी गैसों का देखा कि इस टेम्परेचर पर क्या प्रेशर, किस किस का कितना प्रेशर है। 15.6 पर R404 का प्रेशर 126-127 के समथिंग है। तो इस वाले सिलेंडर में R404 गैस है। आप इसके सिलेंडर की लेवल पर भी देख सकते हैं कि इसमें R404 गैस का ये सिलेंडर है। बेसिकली हमने छिपाया हुआ था कि ताकि आपको पहले ना पता चले कि किस सिलेंडर में कौन सी गैस है। अब ये तीसरा सिलेंडर, इस सिलेंडर में देखते हैं हम प्रेशर। इसका प्रेशर है 110 PSI के आसपास। अब हम इस पर टेम्परेचर सेंसर लगाते हैं। अभी एम्बियंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली सिलेंडरों का टेम्परेचर बढ़ा है तो थोड़ा ऊपर आया है। बेसिकली अभी ये नीचे जा ही रहा है तो हम वेट करते हैं कि कितना नीचे जाता है, फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रेशर के अकॉर्डिंगली कौन सी गैस के साथ ये मैच करेगा। अभी भी डाउन जा रहा है, ये फाइनल है हमारा 110 PSI और 17.5 डिग्री टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 17.5 और 110 PSI प्रेशर किस गैस के साथ मैच कर रहा है। जैसा हमने देखा कि ये 407 वाली लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट इसके आसपास बैठ रही है, टेम्परेचर और डाउन गया हुआ था। तो इसमें R407C गैस डली हुई है। अब इसका फंडामेंटल आपको थोड़ा समझाते हैं कि प्रेशर टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। बेसिकली टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यदि हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं, देखो इस हमने गैस का टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर अपने आप बढ़ने लग गया। तो सीधा सा फंडा है कि हर गैस का एक टेम्परेचर पे एक अपना स्पेसिफिक प्रेशर होता है जो हम पीटी चार्ट में भलीभांति देख सकते हैं। प्रेशर टू टेम्परेचर, टेम्परेचर टू प्रेशर, इसकी कैलकुलेशन बड़ी आसानी से की भी जा सकती है। अभी टेम्परेचर हमने काफी ज्यादा बढ़ा दिया है तो ये आप देख रहे हैं कि इसका प्रेशर भी काफी बढ़ गया है। गैस नीचे लेवल पर है, हम इसको थोड़ा हिलाएंगे तो प्रेशर और ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा। ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जैसे हमने इसकी एक साइड को गर्म किया है और हम इसको थोड़ा लिटाते हैं तो प्रेशर एकदम से बढ़ेगा क्योंकि हीट सारी उधर की साइड है। ये देखिए हम इसको दोबारा से गर्म करते थोड़ा, जैसे जैसे गैस को टेम्परेचर मिलता चला जाएगा ऐसे ऐसे प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। अब जरा देखिए, ये देखो एकदम से इंक्रीज हुआ क्योंकि वो वाली साइड ज्यादा गर्म थी। तो बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर का एक अपना
स्पेशल संबंध है। प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटाओगे तो टेम्परेचर घटेगा। बेसिकली रेफ्रिजरेशन का फंडा ही है ये। देखिए आप बॉटम पे जहां हमने गर्म किया था उसका टेम्परेचर अभी आप देखिए, यदि हम इसको थोड़ा वेट करके स्टेबल होने देंगे तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि कितना प्रेशर बढ़ा, कितना टेम्परेचर बढ़ा, क्या टेम्परेचर के अनुसार प्रेशर बढ़ा, ये सारा कुछ हमें देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली ये बड़ी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके सिलेंडर में कौन सी गैस है। कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।